गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसके पहले पी पीरियड में हम लोग कुछ इंडोर और कुछ आउटडोर गेम सीखे हैं, खेले हैं, वो आपको समझ में आया ही होगा। आज के पी पीरियड में हम लोग को एक अलग सा आउटडोर गेम सीखना है, खेलना है। वो गेम कौन सा है इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। जो गेम में एक बॉल होता है, नेट होता है और वो आपके हाथ से अपोजिट टीम को पास करना रहता है, वो कौन सा गेम है आपको पता है? वो गेम का नाम है हॉलीबॉल। हॉलीबॉल, अभी हॉलीबॉल खेलने के लिए हम लोग को कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत आती है, पहले उसकी जानकारी हम लोग करेंगे। इक्विपमेंट में हम लोग को पहले बॉल, आपके सामने पिक्चर में बॉल दिख रहा है, ये बॉल का साइज क्या होता है? 65 to 67 सेंटीमीटर होता है। बॉल का वेट 260 to 280 ग्राम होता है। उसके बाद हम लोग को ज़रूरत आती है नेट की। नेट की ज़रूरत आती है, ये जो नेट है आपके सामने, अभी ग्राउंड का पिक्चर दिख रहा है, ग्राउंड के पिक्चर में आपको नेट का साइज़ 1 मीटर हाइट होता है, यानी नेट का हाइट 1 मीटर होता है। लेंथ होता है 10 मीटर्स। अभी ये गेम खेलने के लिए 2 टीम्स होता है, ये टीम इवेंट है, टीम गेम है। दोनों टीम में 6-6 प्लेयर्स होते हैं, ऐसे दोनों टीम में ये गेम खेला जाता है। वॉलीबॉल कोर्ट का साइज 18 x 9 मीटर होता है। इस प्रकार ये ग्राउंड आपके सामने दिख रहा है मेजरमेंट के साथ। उसके बाद ये ग्राउंड में प्लेयर्स का स्टैंडिंग अरेंजमेंट कैसे होता है वो हम लोग को देखना है। आपके सामने अभी दूसरा पिक्चर दिखेगा, उसमें स्टैंडिंग अरेंजमेंट आपको दिखेगा। स्टैंडिंग अरेंजमेंट में अटैक लाइन जो होता है, वो लाइन के ऊपर 3 प्लेयर्स होते हैं। अटैक लाइन सेंटर लाइन के दोनों साइड में होती है, यानी दोनों ग्राउंड में, दोनों टीम के ग्राउंड में अटैक लाइन सेंटर लाइन के बाजू में होती है। राइट साइड प्लेयर राइट अटैकर होता है, उसको राइट अटैकर बोलते हैं, एंड लेफ्ट साइड प्लेयर काउंटर अटैकर होता है। और बीच वाले जो प्लेयर्स होते हैं उनको सेंटर अटैकर बोलते हैं। और ये 3 प्लेयर्स का स्टैंडिंग अरेंजमेंट हो गया। अभी नेक्स्ट, और जो 3 प्लेयर्स होते हैं उनका स्टैंडिंग अरेंजमेंट, वो नेक्स्ट 3 प्लेयर्स जो आउटलाइन होता है उसके पास में रहते हैं। उसमें जो राइट साइड प्लेयर होता है उसको यूनिवर्सल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। और जो लेफ्ट साइड वाला प्लेयर होता है उसको सेटर बोलते हैं। उसके बाद और एक प्लेयर रह गया जो बीच में होता है, उसको लिबेरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिबेरो। इस प्रकार
हमारे ग्राउंड में, हॉलीबॉल के ग्राउंड में प्लेयर्स का पोजीशन स्टैंडिंग अरेंजमेंट होता है। अभी इसके बाद में हम लोग को देखना है हॉलीबॉल ए गेम विथ रूल्स कैसे खेलते हैं, पॉइंट्स कैसे काउंट होते हैं, उसके बाद गेम पेनल्टी कैसे होता है और विन कैसे होता है। उसमें पहला रूल है गेम का सिंपल रूल, ये पहले रूल को बोलते हैं सिंपल रूल। सिंपल रूल में क्या होता है, बॉल को हाथ से नेट के ऊपर से अपोजिट टीम को पास करना, यानी सामने वाले की टीम को बॉल हाथ से पास करना है। उसके बाद सेकंड रूल है बॉल मारने के बाद अपोजिट टीम अगर बॉल नहीं मार सकेगी तो 1 पॉइंट हम लोग को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड रूल है अगर एक टीम बॉल मारने जाएगी मगर उनके ही मैदान में बॉल 3 बार मारते हैं, यानी एक दूसरे के पास 3 बार अगर अपने ग्राउंड में ही बॉल रहता है तो फाउल होता है। उसके बाद अभी ये सिंपल रूल हो गए, बेसिक रूल हो गए। उसके बाद हम लोग को देखना है गेम का पेनल्टी क्या होता है। पेनल्टी क्या होता है, कोई भी प्लेयर बॉल मारता है तो उसका एक पैर आउटलाइन के अंदर होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो अपोजिट टीम को चांस मिलेगा, मींस पेनल्टी मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट पेनल्टी, बॉल नेट को टच होगा तो अपोजिट टीम को चांस मिलेगा, मींस पेनल्टी मिलेगी। नेक्स्ट पेनल्टी है नेट को हैंड टच होगा तो अपोजिट टीम को चांस मिलेगा, यानी नेट को आपका हाथ टच नहीं होना चाहिए। इस प्रकार हम लोग रूल्स देख, हम लोग इक्विपमेंट देखा है, स्टैंडिंग अरेंजमेंट प्लेयर्स का पोजीशन देखा है, कुछ बेसिक रूल्स देखे हैं, उसके बाद पेनल्टीज देखी है। तो अभी गेम विन कैसे होता है ये हम लोग को देखना है, सीखना है। विन, गेम स्टार्ट होने के बाद जो टीम के 25 पॉइंट्स होते हैं, होने के बाद 25 पॉइंट्स होने के बाद जो 2 पॉइंट्स डिफरेंस, जो टीम का 25 पॉइंट्स के बाद 2 पॉइंट्स का डिफरेंस जो टीम का होता है, और ऐसे 25 पॉइंट्स के 3 सेट जो टीम विन होती है वो टीम मैच विन होती है। इस प्रकार आज के पीरियड में हम लोग हॉलीबॉल ये आउटडोर गेम सीखे हैं, आपको समझ में आया ही होगा। और हम लोग का जब भी स्कूल रीओपनिंग होगा उस टाइम आपके जो डाउट्स है वो हम लोग क्लियर करेंगे। धन्यवाद।